गुड मॉर्निंग 9th क्लास प्रश्नावली 10.3 क्वेश्चन नंबर 3rd 2nd अभी मैंने छोड़ा है, जब हम रचना वाला चैप्टर करेंगे मैं उस समय उसको बता दूंगी क्योंकि उसमें रचना करनी है। आपसे क्वेश्चन का, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र बेनिस जीवा के लंबवत समद्विभाजक पर स्थित हैं। आपके पास यहाँ पर दो वृत्त दिए गए हैं जो एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपको ये दो वृत्त प्रकार की सहायता से बनाने हैं और इसमें जितना भी लिखा है वो सब पेंसिल से लिखा होना चाहिए, पेन का यूज चित्रों में बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रकार की सहायता से चित्र बननी चाहिए, नहीं तो पूरा काम काटा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो दिया है वो दिया है दो वृत्त हैं जिनके केंद्र ओ और ओ डैश हैं और ये एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि इनके केंद्रों को मिलाने वाला जो रेखाखंड ओ ओ डैश है वो ए बी को बिंदु पी पर लंब समद्विभाजित करता है। मीन्स ये और ये दो कोण हमें 90 दिखाने होंगे, ए पी और पी बी आपको बराबर दिखाने होंगे। तो हमने यहाँ पर दिया है, लिख दिया है क्वेश्चन से, सिद्ध करना है वो ओ डैश ए बी को लंब समद्विभाजक है, ए बी का लंब समद्विभाजक। इसके लिए रचना करते हैं, हम ओ से ए और बी, ओ डैश से ए और बी को मिला देते हैं या उनकी त्रिज्याओं को हमने खींच दिया। सबसे पहले हम बस त्रिभुज की सर्वांग समता आपने सीखी, उन्हीं का प्रयोग हमने इस चैप्टर में करना है। हमने सबसे पहले त्रिभुज ए ओ ओ डैश को और बी ओ ओ डैश को सर्वांगसम किया, जिसके लिए हमने कहा ओ ए बराबर ओ बी पहले वृत्त की त्रिज्या, ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी दूसरे वृत्त की त्रिज्या और ओ एट ओ ओ डैश इक्वल टू ओ डैश उभयनिष्ठ भुजा। तो ऐसे ऐसे सर्वांग समता से दोनों वृत्त आपके क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। वृत्त सर्वांगसम है तो बाई सी पी सी टी एंगल 1 और 2 भी आपके क्या हो जाएंगे बराबर, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। लेकिन हमने तो ये एंगल इक्वल नहीं दिखाने, हमने एंगल 3 और 4 जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनको 90 दिखाना है। तो ये किस त्रिभुजों में आ रहे हैं, ए ओ पी और बी ओ पी में। तो हमने अब इन दो त्रिभुजों को ले लिया, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में। पहला हमने कह दिया ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2 समीकरण 1 से। तीसरा क्या हो गया आपकी उभयनिष्ठ भुजा ओ पी, ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ भुजा। तो एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, सर्वांग सम। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे बाई सी पी सी टी, ए पी बराबर बी पी बाई सी टी सी पी सी पी सी टी। तो ये हमारे बराबर हो गए। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया ए पी बराबर पी बी, तो हमने दिखा नहीं था। अब हमने 3 और 4 को 90 दिखाना है। जैसा कि आपने देखा कि जो 3 और 4 बने वो एक सी सरल रेखा में बने जिसे हम रैखिक युग्म में कहते हैं। तो हमने एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू लिया 180 रैखिक युग्म, क्योंकि 4 और 3 आपस में बराबर है समीकरण 2 से। तो मैंने एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख दिया, तो ट्वाइस एंगल 3 180, 2 से दोनों तरफ भाग किया था एंगल 3 इक्वल टू 90, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपके लंब समद्विभाजक सिद्ध हो गया। अब इसी में आपके पास है प्रमेय। पहला इसमें प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये जो कंडीशन है आपकी, यहाँ मैंने एक वृत्त के लिए की है, कभी कभी ये प्रमेय आपके लिए दो सर्वांगसम वृत्त के लिए भी आता है। तो सेम इसी से करते हैं, बस आपको वहाँ पर दो वृत्त खींचने पड़ते हैं। जो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या, तो वहाँ हम लिख देंगे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, क्योंकि हमें पता है सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। सॉरी, ये इस वाले में नहीं है, इसके बाद अभी एक प्रमेय आएगा उसमें है, उसमें बताते हैं। इसलिए इजी, इसको ऐसे देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमें यहाँ एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है, जिस पर एक जीवा ए बी है, उस पर हमने ओ से पी पर एक लंब खींचा है ओ पी, जिसको जो ए पी को समद्विभाजित करती है। मीन्स ए पी बराबर पी बी सिद्ध करना ईजी है। हमने यहाँ पर रचना करी, ओ को ए से और बी से मिला दिया। अब उसके बाद त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज बी ओ पी में हमने लिया, पहला 90 डिग्री, AOP इक्वल टू एंगल BOP इक्वल टू 90, दूसरा OA इक्वल टू OA वृत्त की त्रिज्या, या इसी को हम कर्ण भी कह सकते हैं क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा है। तीसरा OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। तो RHS सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। तो CPCT से हमारा AP बराबर कितना हो गया, PB बाई CPCT। तथा लंब OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है। अगला प्रमेय है,
कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। सेम इसी का उल्टा है, हमें यहाँ पर जीवा पर लंब होती है सिद्ध करना है और ये इसका मध्य बिंदु है। तो हमें यहाँ पर कह दिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवा ए बी का मध्य बिंदु M है, तो हमने यहाँ पर O को M से मिला दिया, तो हमें सिद्ध करना है ओ एम लंब ए बी। इसके लिए फिर से रचना, O को A से तथा B से मिलाया। अब इन दो त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ ए वृत्त की त्रिज्या, दूसरा हो गया आपका ए एम बराबर बी एम क्योंकि एम जीवा ए बी का मध्य बिंदु है, तीसरा ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा। तो एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, सर्वांग सम। तो सी पी सी टी से एंगल वन और एंगल टू क्या हो गए, बराबर बाई सी पी सी टी। अब हमें 90 सिद्ध करना है, तो फिर से एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180, एंगल वन प्लस एंगल टू की जगह हमने एंगल वन रखा इक्वल टू 180, ट्वाइस एंगल वन इक्वल टू 180, तो एंगल वन और टू क्या होंगे 90, यानी ये लंब सिद्ध हो गया। इसी में आप जो मैं कह रही थी आपसे वह है याला प्रमेय कि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की, एक ही वृत्त भी हो सकता है या सर्वांगसम वृत्त, सर्वांगसम वृत्त हो गए तो आपको वहाँ दो वृत्त खींचने होंगे और आप जानते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं। जीवाएं केंद्र अथवा संगत केंद्रों से समदूरस्थ है, यानी हमें एक वृत्त दिया है जिसमें हमने दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी खींची हैं, हमें यह सिद्ध करना है ये केंद्र से समान दूरी पर है, यानी ओ पी और ओ क्यू आपकी क्या है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हमें दिया है किसी वृत्त का केंद्र ओ तथा ए बी तथा सी डी उसकी दो समान जीवाएं हैं जिनकी केंद्र ओ से लंब दूरी ओ पी तथा ओ सी है। तो हमने सिद्ध करना है इसमें सिद्ध करना है OP बराबर OQ, OP और OQ को हमने बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना है, रचना O को A से और C से हमने मिला दिया। अब इसमें हमने अभी एक प्रमेय पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, इसका प्रयोग करना। हमने जीवा ए पी पर एक लंब ओ पी डाला है तो ये इसे समद्विभाजित करेगा, मीन्स ए पी बराबर पी बी जो पूरी भुजा का आधा होगा। ऐसे यहाँ लंब खींचा है तो सी क्यू बराबर क्यू डी, ये पूरी भुजा का आधा हो जाएगा सी डी बटे दो। अब हमें ये दोनों भुजाएं यानी ए बी और सी डी समान जीवाएं दी थी, ये हमें दिया है, तो इनके आधे भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से ए बी बटे पी पी का ए बी बटे टू का मान हमने ए पी रख दिया और सी डी बटे सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए पी पहले आएगा और सी डी बटे टू का मान हमने यहाँ से क्यू से रख दिया, तो ए पी ए बी बराबर कितना हो जाएगा क्यू सी। अब हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं, कौन से त्रिभुज, क्यू ओ सी और त्रिभुज ओ पी ए में। पहला क्या हो गया आपका, एंगल ओ क्यू सी बराबर एंगल ओ पी ए 90 डिग्री, दूसरा ओ सी बराबर ओ ए वृत्त की त्रिज्या या इसे हम कर्ण भी कह सकते हैं, तीसरा भी समीकरण एक में आपने सिद्ध किया क्यू सी बराबर ए पी समीकरण एक से। तो आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांगसम है तो सी पी सी टी से ओ पी और ओ क्यू भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आपको यही सिद्ध करना था। इसी का ठीक विपरीत है इसका विलोम कि किसी वृत्त से केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती हैं। अब हमने जीवाएं बराबर दिखानी है, इनकी दूरियां हमें समान दी है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त दिया है जिनका केंद्र ओ है से जीवाएं ए बी और सी डी की लंब दूरी कौन सी है, समान दूरी ओ पी और ओ की है, ये मैंने दिया है, लिख दिया। सिद्ध करना ए बी बराबर सी डी, तो इसके लिए फिर से रचना, ओ को ए से और सी से मिलाया। अब हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं, पहला एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ क्यू सी 90 डिग्री है क्योंकि हमने लंब लिखा है पहले यहाँ पर, दूसरा आपको दिया है ओ ए बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्या या कर्ण, तीसरा ओ पी बराबर ओ क्यू आपको दिया है बराबर। तो आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांग समता सी पी सी टी से ए पी और क्यू सी क्या होंगे, बराबर। फिर हम प्रमेय का यूज करेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए यहाँ पर ए पी बराबर हो जाएगा पी बी बराबर ए बी बटे दो और ऐसे सी क्यू बराबर क्यू डी बराबर सी डी बटे दो। अब अभी हमने सिद्ध किया था ए पी और सी क्यू क्या है, आपस में बराबर सी पी सी टी से, तो ए पी का मान यहाँ से ए बी बट्टे दो रख दीजिए, यहाँ से सी डी बट्टे दो रख दीजिए, तो ए बी बराबर सी डी।